अखंड भारत का रट्टा लगा के रखी हुई है, तो क्यों नहीं मुसलमानों को शामिल करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को शामिल करके अखंड भारत बना ले दिया? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुसलमान क्यों आएंगे यहाँ पे? वहाँ तो मुस्लिम मेजोरिटी में। अखंड भारत बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाहिए ना सर? मोदी और उनका जो ग्रुप है, एक गैंग है, पार्टी तो नहीं है, पार्टी है, कौन कर रहा पार्टी है? अरे वसूली गैंग है वो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो, विश्व की सबसे बड़ी वसूली गैंग है, उन्होंने हमारे देश को हाईजैक कर लिया है जी। ये जिस तरह से हमारे देश के जनता के साथ बर्ताव कर रहे हैं, बड़ा ही बेतुका है। इस तरह से तो अंग्रेज भी पेश नहीं आए थे हमारे साथ। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेके आई है, ठीक है, उसमें मुसलमानों को साइड कर दिया गया, ठीक है, तो वो अखंड भारत का रट्टा लगा के रखी हुई है, तो क्यों नहीं मुसलमानों को शामिल करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को शामिल करके अखंड भारत बना ले दिया? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुसलमान क्यों आएंगे यहाँ पे? वहाँ तो मुस्लिम मेजोरिटी में। अखंड भारत बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाहिए ना सर? हाँ, तो जब अखंड भारत बनेगा तब की बात है। कब बनाइएगा? कब बनाएगा? अच्छा, अपॉर्चुनिटी समय आपके पास अपॉर्चुनिटी था। अच्छा, किसने कहा कि अखंड भारत बनेगा? गवर्नमेंट का फंडा है सर। क्या फंडा है? क्या अखंड भारत बनाने का रट लगा हुआ? अच्छा, सीए से परेशानी क्या? 2030 तक आप बोल रहे हैं कि आपको किसने कहा 2030 तक? मोहन भागवत ने कहा है। मोहन भागवत ने कहा? तो कहा है ना, तो अभी बना लेना, तो फिर बाद में मुसलमानों को लाएंगे, फिर मोहन भागवत 2030 तक लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्यों नहीं? क्यों लाएंगे भाई? मुसलमान आएंगे ना अखंड भारत में? अरे क्यों, जब पूरा फिर भेज दीजिए पाकिस्तान के भी, पूरा का बांग्लादेश के भी मुसलमानों को मिल जाएगा ना? भारत में मिला हो जाएगा ना उस चीज का? भारत में मिला हो जाएगा? अभी मिला लीजिए ना, अभी आप बहुमत में हैं, अभी 400 पार पे चल रहा है मामला, अभी 400 पार, उसके बाद करेंगे, बात करेंगे, पक्का कन्फर्म है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप मतलब मोदी जी बोल रहे, सरकार बोल रही, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं तो आप बोल रहे इस बार बहुमत आने दीजिए, उसके बाद बोली ना कि इस बार कड़े फैसले लेंगे, 400 पार कड़े फैसले लेंगे। नहीं तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सीए में मुसलमानों को भी शामिल कर ले और अखंड भारत बना ले, सपना है उनका अखंड भारत पूरा कर ले, वो एजेंडा है उनका, बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो वो जाने। गवर्नमेंट काम कर रही है जहाँ तक हो रही है, अब देखिए उनके मेहनत के ऊपर है। कौन सी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट नहीं, जो अपोजिशन पार्टी है वो मेहनत कर रही है जहाँ तक हो रहा है, लेकिन देखिए आप उनके मेहनत के ऊपर, उनके किस्मत और उनके दुआओं के ऊपर है। बोल रहा हूँ बात ये है कि जिस तरह से मोदी और उनका जो ग्रुप है, एक गैंग है, पार्टी तो नहीं है, पार्टी है, कौन कर रहा पार्टी है? अरे वसूली गैंग है वो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो, विश्व की सबसे बड़ी वसूली गैंग है। आपके जानकारी में मैं इजाफा कर दूं, है सही बोल रहा हूँ मैं? बात बात को समझिए आप, इन्होंने हमारे देश को हाईजैक कर लिया है जी। ये जिस तरह से हमारे देश के जनता के साथ बर्ताव कर रहे हैं, बड़ा ही बेतुका है। इस तरह से तो अंग्रेज भी पेश नहीं आए थे हमारे साथ। सिर्फ और सिर्फ ये लोग कुछ उद्योगपतियों की चाटुकारिता करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का जो श्रमिक है, सारे के सारे पीड़ित। मणिपुर में जो हालात पिछले 6 महीनों से हो रहे हैं, वहाँ पे अपने प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए और उनके मुंह से मणिपुर का मुंह तक नहीं निकला। इतनी बेहयाई से वो लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ तोड़ने का और वोटों को बटोरने का जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता इसका 100% जवाब देगी और इस देश में बिल्कुल चेंज आके रहेगा। आप करें जनता साथ देगी, वो करें जनता तो हमारे साथ है, मोदी की गारंटी पे पूरा यकीन है। देखिए आप एक मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, क्या तब ये जनता थी वहां पे? जनता नहीं थे, कुछ सिलेक्टेड उद्योगपति थे, फिल्म स्टार थे, क्रिकेटर थे, ये कौन है? ये क्या ये देश को चला रहे हैं? तो बुलाया तो आप लोगों को भी था ना? आप नहीं बुलाया था, नहीं बुलाया था, किसी को नहीं बुलाया था। अरे देखिए हम ये जो है आपके पार्टी, हाँ। पार्टी के तरफ से वो लोग इनविटेशन दे रहे हैं, तो पार्टी में तो जा नहीं सकते ना हम लोग, हाँ। ये तो बीजेपी का प्रोग्राम हुआ ना, ये देश का प्रोग्राम थोड़ी हुआ। अच्छा उन्होंने समझिए, उस बात को सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उनका तो हक था, वो तो पहली महिला है, है नहीं है देश के हमारे पहले नागरिक, फिर उनको क्यों नहीं बुलाया? क्या ये वो जताना चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए बस वो काम करेंगे? दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज, ये लोगों को कोई वैल्यू नहीं है इस देश में? सबका विकास हो रहा है, सबका I to Z, मुसलमानों को 3 तलाक से मुक्ति दिला दी, आवास दे दिए, सरकार की जो योजना है उनमें 65% योगदान, जो लाभार्थी मुसलमान है, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले। अरे जाहिल इंसान खुद के पत्नी को संभाल नहीं पाया, हमारी 3 तलाक की क्या बात करेगा वो? अरे ये देश सबका है, हाँ।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सब साथ में रहते। लेकिन ये 10 साल में इन्होंने जो राजनीति है गंदी राजनीति की है। अभी भी इन्होंने इनके जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड है उसके ऊपर जैसे शिकंजा कसा सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने झट से पाला पैर दिया, सीए लागू कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए इनको। रोजगार की सरकार नहीं है, रोजगार पे बात नहीं करती, पुष्टिकरण करती थी कांग्रेस की सरकार, हम विकास कर रहे हैं। देखिए आप बात को समझिए, इतनी बुरी हालत पिछले 60 साल में नहीं हुई जितने 10 साल में हुई है। इस 10 साल में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। इस 10 साल में आप देखेंगे पेट्रोल का, अगर कोई पेट्रोल भरवाता है, हमने परसों एक बंदे से लिफ्ट ली गाड़ी के ऊपर कि भैया हमको आगे तक छोड़ दो, राहुल जी की रैली चली गई है, तो उसने हमको आगे छोड़ा, हमने थैंक यू बोला, तो बोला भैया हमको थैंक यू मत बोलो, आप 3 लोगों को जाके बोले कि मोदी को वोट मत करो। पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो गाड़ियां कम हुई है। देखिए वो आप बात कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो गाड़ियां कम हुई है, ज्यादा हुई है पेट्रोल का दाम? देखो आप बात को समझो, जो महंगाई हुई है ना, हाँ तो पेट्रोल का दाम बढ़ा है ना तो गाड़ियां कम होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, गाड़ियां तो और बढ़ गई है। देखो इस ये देश का जो पॉपुलेशन है, जिस तरह से हमारी ग्रोथ हो रही है वो अपनी जगह पे है, लेकिन सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए आप, पेट्रोल का दाम बढ़ने से सिर्फ गाड़ियां चलाना ये मकसद नहीं है। पेट्रोल का दाम बढ़ने से जो महंगाई बढ़ती है, जो लोगों पे भार बढ़ता है, क्योंकि पेट्रोल का और डीजल का दाम बढ़ने से ये हुआ है कि आज हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो नुकसान में है। आप कह रहे हैं कि सुनिए लोग काम करना बंद कर दें, इधर देखिए बताइए, आप कह रहे हैं, आप चाह रहे हो कि महंगाई आप और लोग काम करना बंद कर, आप बताइए क्या चाह रहे हो? आप कह रहे हैं कि बहुत तेजी से देश का ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो ही रहा है, बताइए जरा कुछ 5 चीजें बताइए। पिछले 10 सालों में इतना ग्रोथ हुआ है, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क देखो, जो रोड का नेटवर्क है। अच्छा, पहले नहीं थी, पूरे इंडिया में जो रोड अभी बनी है वो रोड अटल सेतु से लेकर बिहार से लेकर पूर्णिया से लेकर सारा जो स्टेट है वो रोड से कनेक्टेड हो रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो देश भी डेवलप होगा। एक हो गया, आप दो बताइए, दूसरा बताइए। दूसरा आपका डिजिटलाइजेशन, इससे पहले बैंकिंग में जो यूज कर रहे थे स्वयं जाना पड़ता था बैंक में, इसके बाद से समय इतना चेंज हुआ कि आपको एक दिन भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा डिजिटलाइज हो रहा है, धीरे धीरे डिजिटलाइज हो रहा है। तीसरा बताइए। तीसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नया पीढ़ी है, नया काम है और नए जमाने से एक नए सोच के साथ, नया विचारों के साथ नई नई चीजें जो है, विचार क्या क्या है जरा बताइए, जो AI से कनेक्टेड हो रहा है और नई जो भी पुरानी चीजों है उससे हटकर एक नया डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो बेरोजगारी बढ़कर पिछले 45 साल में तो पहले भी थी, नहीं पहले 45 सालों का रिकॉर्ड टूटा है ना, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर हो गई, तो बड़ा है पॉपुलेशन के, बच्चा पैदा होते ही रोजगार मांगता है, बच्चा पैदा होते ही रोजगार में आ जाता है। कैसे आ जाता है, कहाँ आ जाता है, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि बच्चा पैदा होते ही 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ गया, पहले उसे एजुकेशन तो दिलाओ। ये बताइए आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाया तो 10 साल में सिर्फ बढ़ गया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अगर बढ़ा है तो उसके साथ उसे एजुकेशन भी बढ़ा है, डिजिटलाइज हुआ है, एजुकेशन का माध्यम भी बढ़ा है, जैसे जैसा वक्त बढ़ रहा है बेरोजगारी, तो आपको आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा ना, मेक इन इंडिया करो, मेड इन इंडिया करो, क्यों नहीं होंगे, आप प्रोडक्टिविटी बनो। चाइना जो है सबको रोजगार देके रखा है या फिर प्रोडक्शन बढ़ाया, चाइना ने प्रोडक्शन किया है, बहुत सारा डेवलपमेंट किया, अपना प्रोडक्शन करना है तुमको, प्रोडक्टिविटी करना है, प्रोडक्ट बनाना है आत्मनिर्भर, पहले अपने लिए प्रोडक्ट बनाना है, इम्पोर्ट नहीं करना है। अच्छा। तो अपनी जब चीजों को जब डेवलप करोगे तब जाकर उन्नति आएगा। जब आप खाली नौकरी आप बैठ कर खाली नौकरी ही लेना चाहोगे, आत्मनिर्भर भी बनोगे, सब अगर प्रोडक्ट ही बनाने लगेंगे, जरूरी है जरूरी, अगर सब नौकरी ही मांगते रहेंगे तो ये सरकार कहाँ से भुगतान, सरकार बोले तो जनता। अच्छा, तो पहले जो जिस तरह के नारे थे, महंगाई की मार बहुत हुई, अत्याचार, ये सब वो फर्जी थे क्या? महंगाई तो होगी क्योंकि जब इतना सारा फंड आएगा, जब डेप्थ क्रिएट होगा, जब इतना सारा फंड आएगा तो महंगाई होगी, उसी के साथ आपको मेरा कहना ये है कि 2014 में सिलेंडर का दाम था 400 रुपये, पेट्रोल का दाम था 60 रुपया, आज क्या है, सिलेंडर का दाम है 1100 रुपया, 1200 रुपया, और नहीं, ये क्या है? अब बात ये है कि
कि प्रधानमंत्री जो हैं समंदर के नीचे जाके बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं, बोल रहे हैं देश की तरक्की हो रही है। आपके हाथ में जितने भी मोबाइल हैं, जो भी शूटिंग हो रहा है, ये सारे के सारे मोबाइल चाइना से हैं। आप बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या हुआ? मैं चाहता हूँ हमारे युवा को यहाँ पे एप्पल का फैक्ट्री हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, इज अ फॉरेन कंपनी। आप बात को समझो, मैं चाहता हूँ ये मोबाइल आज यहाँ पे अपना क्या एरिया का नाम है, ये मेड इन धारावी लिख के आए, क्यों नहीं आए मोबाइल के ऊपर, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए अभी तक, क्यों नहीं आया है? सिर्फ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोगों ने वहाँ से चाइना से माल एक्सपोर्ट किया, हमको फंसाया। अरे हम फंस चुके हैं, हम झांसे में आ गए आपके, हम फंस गए हैं। जनता समझ चुकी है, आने वाले वक्त में जनता इसका 100% जवाब देगी, इनको सत्ता से हटा के रहेगी। जय हिंद, जय भारत।